नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पीसीएस बने सत्यम का ब्रज प्रेस क्लब पर हुआ सम्मान। पूर्व मुख्य सचिव और ब्रज प्रेस क्लब अध्यक्ष ने किया अभिनंदन। श्री जी बाबा के वरिष्ठ शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त एनसीईआरटी के पूर्व सदस्य डॉक्टर राकेश चंद्र चतुर्वेदी के पुत्र सत्यम चतुर्वेदी द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यूपीएससी 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रविवार को ब्रज प्रेस क्लब पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव व राष्ट्रीय परशुराम परिषद व पब्लिक पुलिस के राष्ट्रीय महामंत्री देवदत्त शर्मा, उनकी माता रुक्मिणी देवी, एनयूजेआई के राष्ट्रीय सचिव और ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट स्पेशल डीजीसी पाक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट द्वारा सत्यम का पगड़ी व स्मृति चिन्ह देकर भेंट कर अभिनंदन किया गया। सत्यम ने बताया कि उनका चयन वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर हुआ है। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह वर्तमान में अपनी सेवाएं गृह मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर दे रहे हैं। इस दौरान सत्यम के पिता डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी व डॉक्टर रेणु चतुर्वेदी का भी सम्मान किया गया। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज जिस मुकाम पे हैं उसको पाकर के कितनी खुशी मिलती है और कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? बहुत खुशी मिल रहा है। मेरा नाम सत्यम चतुर्वेदी है, मेरा फाइनेंशियल अकाउंट ऑफिसर के रूप में हुआ है। मेहनत करनी पड़ती है तो मैं पहले कहीं पर एक जगह नौकरी भी करता था, उसके बाद घर आकर इसके लिए पढ़ना पड़ता था, लेकिन जज्बा था कि करना है तो वो मेहनत कभी बेकार नहीं थी। अगर बात करें तो जिस तरह से पिताजी शिक्षक हैं उसके बावजूद आप इस मुकाम पे हैं, तो कैसे और इसका श्रेय किसको देते हैं? श्रेय ऑब्वियसली पिताजी और माताजी को जाते हैं, दोनों ही शिक्षक हैं। उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी कि आगे समाज के लिए कुछ करना है तो किसी प्रतिष्ठित जगह पर जाके ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं ताकि लोगों का भला हो सके, तो वहीं से प्रेरणा आई। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे ब्रज क्षेत्र की होनहार छात्र जो डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी जी हैं, उनका बेटा है जो विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और मानव संसाधन मंत्रालय की कमेटी के केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य रहे हैं। उनके पुत्र ने सत्यम, उन्होंने पीसीएस में अपना स्थान अपनी प्रतिभा के द्वारा बनाया है और उनका सिलेक्शन होने पर हम सब ने यहाँ आज प्रमुख सचिव रहे उत्तर प्रदेश के और नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रहे, मेरठ मंडल के कमिश्नर रहे डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी, उन्होंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, उनकी माता जी ने आशीर्वाद दिया और यहाँ आए और इस अवसर पर हम सब ने सत्यम के स्वर्णिम भविष्य की कामना की है। और आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी के यशस्वी सुपुत्र चिरंजीवी सत्यम जी का उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जो चयन हुआ है उसी के संबंध में आज हम सब लोग यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और आज दीपावली का पावन पर्व है, उनके जीवन में ऐसे ही प्रकाश हमेशा हमेशा जलता रहे और वो हमने तो एक ही उनसे कामना की है कि और अगली बार वो आईएएस मेन की तैयारी करें और आईएएस में भी उनको इसी प्रकार उनका सिलेक्शन हो, हम लोगों को बहुत खुशी होगी, मथुरा का नाम होगा और प्रदेश का नाम होगा।